अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान डिश अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को भी लाइक और शेयर कर दिया करें। ये आप लोगों के सामने यूटलसेट 9 डिग्री इसके चैनल चल रहे हैं, ये BBC वर्ल्ड न्यूज़ यहाँ पर चल रहा है, ये इसके सिग्नल देख लें। यूटलसेट 9 डिग्री ईस्ट है ये, यहाँ से आज हम यूटलसेट 7 डिग्री ईस्ट सेट करना चाहते हैं, तो उसके मुकम्मल सेटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। टीपी हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसकी, ये पहली वाली जो टीपी है ये उसकी स्ट्रांग टीपी है यूटल सेट 7 डिग्री ईस्ट की। और LNB की जो पोजीशन है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 9 डिग्री ईस्ट पे, 13 डिग्री ईस्ट पे, 26 डिग्री ईस्ट पे, 10 डिग्री, 16 डिग्री ईस्ट, इन सब पे एक ही ये LNB की पोजीशन रहती है। ये देख लें हम लोग, यही पोजीशन रहती है इन पे। और यहाँ से डिश इस तरह नज़र आ रहा है, ये देखें इतनी इसकी एलिवेशन मैंने की हुई है नीचे, ऐसे रहेगा ये पोजीशन डिश की। ये देख लें सही तरह से ऐसी डिश की पोजीशन रहेगी। और जो एलिवेशन है वो मैंने मेरे राड्स जितने बाहर निकल सकते थे डिश के, वो एलिवेशन वाले वो मैंने पूरे निकाले हुए हैं। 2 बालिश्त और 3 अंगल मैंने राड्स बाहर निकाले हुए हैं। और ये यूटलसेट 9 डिग्री ईस्ट के लिए मैंने एक 4 इंच की ईंट और उसके ऊपर ये तकरीबन 1.5 इंच के दो मैंने टाइलें रखी हुई हैं, दोनों टाइलें मिला के 1.5 इंच, मतलब 4.5 इंच ये मैंने और नीचे सामान रखा हुआ है इसके। एक तो राड्स मैंने पूरे बाहर निकाल लिए जितने निकल सकते थे, 2 बालिश्त और 3 उंगल के बराबर वो बाहर निकाले हुए हैं, और इधर जो है मैंने 5.5 इंच की चीज़ें नीचे रखी हुई हैं एलिवेशन पूरी करने के लिए। अब मेरे पास एक ये पड़ा हुआ है, ये 1.5 इंच का या 2 इंच का होगा, ये मैं अब इन टाइलों की जगह ये दूंगा क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा मोटा है। यूटल सेट 9 से 7 हमें सेट करने के लिए थोड़ी एलिवेशन बढ़ानी पड़ती है। तो ये देख लें TP, अभी यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आए मुझे, कोई भी सिग्नल यहाँ पे नहीं आ रहा। ये देख लें, ये मैं फिर रखता हूँ जो ये मेरा है भट्टा इसके नीचे। टाइलें मैंने हटा ली और इसको मैंने इसके नीचे रख दिया, ये फिट करके यहाँ फिट हो गया। अब इधर आप नज़र रखें, मैं थोड़ा सा राइट साइड पे मूव करूँगा डिश को ताकि सिग्नल्स रिसीव हो जाए। राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ मैं, थोड़े से सिग्नल आए हैं अभी स्टेबल नहीं हुए, यहाँ पे कुछ स्टेबल हो रहे हैं सिग्नल। ये देखें हमें यहाँ पे सिग्नल्स फुल मिल गए हैं, मैं थोड़ा सा और राइट साइड पे किया है ताकि हमारे सिग्नल्स जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएं। ये तो है ना, ये इसकी इजी TP। अब इसकी एक मुश्किल TP है जिसके सिग्नल्स लाना ज़रूरी है, मुश्किल से आते हैं, उसके अगर सिग्नल आ जाएं तो फिर आप लोगों की सेटेलाइट पूरी स्कैन हो जाती है। ये वाली TP देखें, अभी इसके सिग्नल मेरे पास नहीं है। वैसे तो ये तीनों TP जो है ना, ये 12681, 12531 और नीचे वाली 12745, इसके तो आ गए हैं, 31 वाले के थोड़ा लेट आते हैं इसके सिग्नल। ये देखें लगी रहेगी तो थोड़ी देर बाद, ये देखें आ गए अच्छे सिग्नल। इन दोनों के जो है ना वो ज़रा मुश्किल से आते हैं, तो मैं डिश को थोड़ा सा और हिलाऊंगा राइट साइड पे करूंगा तो फिर इनके सिग्नल आ जाएंगे। मेन TP ये है मुश्किल वाली 12745 वाली, इसके सिग्नल मैं ले आता हूं तो फिर उसके बाद हम ब्लाइंड स्कैन करेंगे। थोड़ा सा और राइट साइड पे मैं कर रहा हूं डिश को उठा के, मैंने किया राइट साइड पे तो ये देखें थोड़े से सिग्नल आए हैं यहाँ पर। थोड़ा और राइट साइड पर मैंने किया तो ये अच्छे सिग्नल यहाँ पर हमें इसके रिसीव हो गए हैं 88-89% तक। तो इसके जैसे ही सिग्नल आते हैं तो फिर इसके ऊपर वाली जो TP है ना 12681 वाली, उसके भी फिर सिग्नल हमें हो जाते हैं रिसीव। ये देखें इसके सिग्नल्स ठीक है, अभी 86 हैं, ये हमारे अच्छे सिग्नल हैं, ये स्कैनिंग में आ जाएगा। फिर हम ब्लाइंड स्कैन पे लगा देते हैं इसको ताकि हमें इसके चैनल्स जो हैं वो हो जाएँ रिसीव। ये हो गया हमारा 7 डिग्री ईस्ट, डाइजेक की सेटिंग ऑफ कर देता हूँ और
ब्लाइंड स्कैन भी उसे लगा देते हैं। हमारी स्कैनिंग फ़ौरन शुरू हो गई, इसकी इसकी टीपीएस ने फ़ौरन उठा ली। चैनल्स हमारे शुरू हो गए हैं आना, 128 चैनल्स हमें रिसीव हो गए हैं, जो कि अब 175-170 के करीब हो गए हैं, और 16 टीपीज हमारी स्कैनिंग में आ चुकी हैं। और अभी तक हमारी जो स्कैनिंग है वो 25% तक हुई है कंप्लीट, मतलब ये कि अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल टीपीज हमें हुई हैं रिसीव, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल टीपीएस पे हमें 171-172 चैनल्स रिसीव हो चुके हैं। व्यूअर्स, ये पहले यहाँ पे होती थी यूटेलसैट 7B, ये फिर बाद में अभी 2020 के शुरू में, जनवरी था या फरवरी का महीना था, तो उस वक्त एक नई सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च हुई थी, यूटेलसैट 7C। जब से ये यूटेलसैट 7C लॉन्च हुई है तो इसको हम 2 फीट पे भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके सिग्नल्स बहुत अच्छे हो गए हैं इस सैटेलाइट के, पहले ये मुश्किल से ट्रैक होती थी 4 फीट पे और इसके सिग्नल्स भी इतने नहीं आते थे, अब इसके सिग्नल्स भी अच्छे खासे आ जाते हैं और हमें इसके जो अपना चैनल्स हैं वो भी बहुत सारे रिसीव हो जाते हैं। तो हमारी 50% स्कैनिंग कम्प्लीट हो चुकी है, हॉरिजॉन्टल वाली सारी टीपीज जो हमें होनी थी रिसीव वो हो गई हैं, 24 तक हमें हॉरिजॉन्टल की टीपीज हुई हैं रिसीव, और इन 24 टीपीज पे हमें 178 चैनल्स हुए हैं रिसीव, अभी और भी फ़िलहाल आ रहे हैं, 179 हो गए हैं ये, और शायद एक दो और भी आ जाए चैनल, देखते हैं। अभी 48% पे रुक गई है स्कैनिंग, देखें जी एक और टीपी भी हमें हॉरिजॉन्टल की रिसीव हो गई है इस सैटेलाइट की, तो टोटल हमें इसकी थोड़ा वेट कर लेते हैं शायद और आए, भी 50% पूरा नहीं हुआ, देखें और आ गई टीपी इसकी, दो तीन टीपीज और आई हैं, वर्टिकल की भी अब शुरू हो गई हैं, हमें 27 टीपीज हॉरिजॉन्टल की रिसीव हुई थी यहाँ पे, और अब वर्टिकल की शुरू हो गई हैं यहाँ पे रिसीव होना, स्कैनिंग इनकी जारी है। अब तक हमें 245 चैनल्स हो गए हैं रिसीव, और टीपीस 37 तक आ गई हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। व्यूअर्स, ये बहुत सारे चैनल्स हैं, इनकी चैनल लिस्ट स्कैन करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसके फुल सिग्नल हैं इस वक्त मेरे पास सारी टीपीज के, बस वो जो वीक टीपी थी उसके 89% तक थे, बाकी सब के 99% फुल सिग्नल हैं।
व्यूअर्स, हमारी स्कैनिंग तकरीबन कंप्लीट होने वाली है, 97% तक हो गई है। हमें 250 चैनल्स और 43 टीपीज रिसीव हुई हैं यहाँ पे। व्यूअर्स, अब तक की स्कैनिंग मैंने जितनी भी सैटेलाइट की है, मुझे इस सैटेलाइट पे इतनी ज़्यादा टीपीज कभी रिसीव नहीं हुई। 44 टीपीज बहुत ज़्यादा हैं, 45 हो गई हैं जो कि अब, तो ये बहुत बड़ा रिज़ल्ट है इसका। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो कि नई सैटेलाइट लॉन्च हुई है, और इसकी पाकिस्तान में, यूरोप की ऐसी सैटेलाइट है जिसकी पाकिस्तान में बहुत अच्छी कवरेज है, बहुत अच्छे सिग्नल्स हैं इसके। इसकी चैनल लिस्ट देख लेते हैं। पहला चैनल बीबीसी पर्शियन है इसका, सिमाया आज़ादी, ये एफटीए चैनल्स हैं। फिर पेड चैनल्स आ रहे हैं, ये सी लाइन पे ये नहीं चलते चैनल्स, कैनाल 7 एचडी। मैं वैसे क्लिक करके देख लेता हूँ, शायद अगर चल रहे हो तो चल जाएंगे। ये सीजीटीएन डॉक्यूमेंट्री है, ये यूटासेट 9 पे भी होता है ये चैनल, और यहाँ पे भी है ये। ये देखें, कैनाल, मीडिया सेट, हाइबर, ब्लूमबर्ग, ये पेड हैं जो मैं छोड़ रहा हूँ बीच में। जो एफटीए हैं जो चल सकते हैं वो मैं चला रहा हूँ। यहाँ पे डिजी तुर्क का एक पैकेज है, पेड चैनल उसके हैं ये। ये कुछ फारसी ज़बान के चैनल्स हैं, फोर यू टीवी, दुआ चैनल, आईटून टीवी, मनाटो टीवी, ये है साइन फिल्म सीरीज़ एचडी। ये बहुत अच्छे चैनल हैं ये व्यूअर्स, ये इंग्लिश मूवीज़ के। ईरान इंटरनेशनल, आईसीसी टीवी, मनाटो, एसडी 4 म्यूज़िक, साइन फिल्म, साइन सीरीज़, एमबीसी पर्शिया, मनाटो एचडी, दयानत टीवी एचडी, फिर ये निकलोडियन, ये पेड हैं, बीबीसी था, हॉट स्ट्रीट्स, कंसर्ट्स, क्लासिक रॉक, ये चैनल्स देखते जाएं आप लोग जो पेड हैं। ये ऊपर आ रहा था TRT रेडियो 3, फिर शो रेडियो है, रेडियो वाइवा, और TRT तुर्की, TRT गेम, इन सब पे एक ही चला हुआ है, बस ये एक ही सीन चला हुआ है सब पे। कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप दिखा रहे हैं, ये CNN भी आया हुआ था लेकिन वो पेड मोड पे है, TRT HD, BBC अर्थ, ये चलते नहीं हैं अभी। बस मैं लगा के इसलिए दिखा रहा हूँ, शायद कोई चल रहा हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेड मोड पे भी होते हैं चैनल्स तो प्ले हो जाते हैं। चैनल 1 ये हो गया, नुमीदा टीवी, TRT आवाज़, TRT 2 HD, TRT अरबी, TRT तुर्क, TRT कुर्दी, TRT स्पोर्ट, TRT स्पोर्ट 2, TRT म्यूज़िक, TRT कुकुक, TRT हैबर HD, और ये देख लें चैनल्स ये हैं। ये अल जज़ीरा इंग्लिश हो गया, फिर BBC वर्ल्ड न्यूज़, सिग्नल फुल हैं लेकिन ये चल नहीं रहे यहाँ पे, पेड हैं सारे। फिर TRT वर्ल्ड HD हो गया, तुर्की का चैनल है न्यूज़ का, बहुत अच्छा। फिर CGTN HD, आई फिल्म HD, इंग्लिश क्लब, फारसी, बर्तर TV, PMC, साइन फिल्म HD, यहाँ पे इंग्लिश मूवीज़ होती हैं बहुत अच्छी, देख लें अभी कोई सीन चला हुआ है, क्रिप्टस, मनाटो HD 2 और अवांग TV, फिर पेड आ गए, बीच बीच में कोई फ्री वाले आ जाते हैं व्यूअर्स और कुछ पेड आ जाते हैं। इसमें पेड चैनल्स भी बहुत सारे हैं और फ्री वाले भी बहुत सारे हैं, 4K चैनल्स भी हैं यहाँ पर, ये 4K आया हुआ था।
तो ये इसकी चैनल लिस्ट थी व्यूअर्स, टोटल 247 250 के करीब चैनल्स आए हैं हमें यहाँ पे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।